सदन में अखिलेश का जोश आई, दिखाया ऐसा अंदाज कि सीएम योगी सोच में पड़ गए। जातीय जनगणना पर अखिलेश ने पूछा सबसे बड़ा सवाल, योगी के दोस्त भी कहने लगे हम आपके साथ। राजभर ने कहा साथ हैं, निषाद ने कहा साथ हैं, अपना दल से अखिलेश ने पूछा यही सवाल, जवाब देने से क्यों बच गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो बयान दिया उसने सबको हिलाकर रख दिया। अखिलेश ने भाषण कुछ ऐसा दिया कि बीजेपी के गठबंधन के साझेदार भी कहने लगे हम आपके साथ हैं। अखिलेश जाति जनगणना पर बोलते जा रहे थे, साथ में सत्ता पक्ष से पूछते चले गए, साथ है ना, बताइए बताइए ना, आप हमारे साथ हैं, वो ऐसा पूछते गए। सरकार के साथ चलने वाली पार्टी भी कहते गए हम आपके साथ हैं। ओपी राजभर के बयान से तो ऐसा लगा मानो ये कह रहे हों हम तो आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, अब भी आप कहेंगे तो साथ आ जाएंगे, एक बार इशारा तो कीजिए। संजय निषाद तो अखिलेश से इस तरह से कम्युनिकेट करते दिखे जैसे कह रहे हूं एक बार ऑफर तो दीजिए हम आपके साथ आ जाएंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं, विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन को झांकिए, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल यूपी विधानसभा में सपा ने जोर शोर से जातीय जनगणना का मामला उठाया। पहले सपा सदस्यों ने मामला उठाया, तब जमकर हंगामा हुआ, कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जातीय जनगणना का मामला उठाया। इस दौरान टोका टोकी को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से नोकझोंक हो गई। अखिलेश ने इस पर ओपी राजभर से ही पूछ लिया आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं, राजभर ने इसका जवाब भी दिया, साथ ही कहना नहीं भूले कि हम तो आपके साथ ही थे, आपने अलग कर दिया तो क्या करें। आप जातीय जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जातीय जनगणना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। इस दौरान योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद की ओर भी इशारा कर अखिलेश ने अपने समर्थकों को गिनाने की कोशिश की तो उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बैठने को कह दिया। स्पीकर ने संजय निषाद से पूछा कहां इनके चक्कर में फंस रहे हैं, इसके बाद संजय निषाद बैठ गए। आप भी तो नेता हैं, क्या आप जातीय जनगणना चाहते हैं? आपस में बात नहीं करिए, मेरे से माने नेता मेरे को संबोधित भी करके करिए, आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मेरा यहाँ बैठना मुश्किल है। बैठिए माननीय मंत्री जी, मेरे से बात करिए आप। अरे डॉक्टर संजय जी, अरे आप बैठिए माननीय मंत्री जी। डॉक्टर संजय जी, अरे उनका ऐसे जवाब देने लगेंगे तो मेरा काम क्या, मेरा काम आप जवाब आ जाने दो तो अच्छा लगेगा, बाद में जब उनका मौका आएगा तब देंगे। संगति दूर होनी चाहिए जी, लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है कि हमें लटका रखा है, न हम पिछड़े में हैं न अनुसूचित में हैं, जब इनके पावर नहीं है। आप बैठिए माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, आप बैठिए, अरे कौन के चक्कर में फंस रहे हैं, बैठिए, अरे बैठिए, अरे आप बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बैठिए प्लीज। अरे मैंने नेता प्रतिपक्ष को बोला, आपको नहीं बोला, आपको आपका मौका आएगा तो बोलिएगा। अरे बैठिए मंत्री जी। अखिलेश ने अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करते हुए पूछा आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती जातीय जनगणना हो, सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, जातीय गणना के बिना कैसे नारा देती है, जातीय गणना के बिना कैसे नारा पूरा हो सकता है जब पता ही नहीं चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है तो उसका विकास कैसे हो सकता है। इस पर अखिलेश को टोकते हुए सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने पूछ दिया आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं जातीय गणना कराई। ओपी राजभर के टोकते ही अखिलेश का पारा चढ़ गया, पहले से उनसे पूछ लिया कि आप किस पार्टी के साथ हैं, इसके बाद पूछा आप किधर हैं, आप जातीय गणना के पक्ष में हैं, इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि हम आपके साथी थे, आपने ही अलग कर दिया। किस पार्टी के नेता हैं आप, ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जातीय गणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जातीय गणना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे कितने अच्छे लग रहे हो मंत्री बने हुए। इसी मंत्री के लिए गए थे वहां।
राजभर की जाति गणना के पक्ष में होने के बाद कहने के बाद अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सहयोगी भी कई पार्टियां जातीय जनगणना कराना चाहती हैं। अखिलेश का इशारा निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद की तरफ था। अपनी तरफ अखिलेश को मुखातिब देखकर संजय निषाद से भी रहा नहीं गया और उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बोल पाते, स्पीकर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अभी अखिलेश जी को ही बोलने दिया जाए। अखिलेश ने कहा कि हम जानते हैं कि जाति गणना चाहते हैं और 100% चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है वो जानते हैं। हम दोनों इंजीनियर हैं और एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को बढ़िया से समझता है। अखिलेश ने कहा अपना दल भी यही चाहता है, वो भी जाति जनगणना चाहता है। हालांकि उसकी तरफ से जवाब नहीं आया, लेकिन अपना दल के विधायक और मंत्री आशीष पटेल का नाम जरूर अखिलेश यादव ने लिया। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको। आपस में बात नहीं करिए, मेरे से माने नेता मेरे कौन सा बोल करके करिए। आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मेरा यहाँ बैठना, बैठिए माननीय मंत्री।